मोदी अमित शाह की एसबीआई की मिली भगत मुर्दाबाद 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 एसबीआई मुर्दाबाद 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 बीजेपी एसबीआई की मिली भगत मुर्दाबाद 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 करो भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 एसबीआई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं में रोष था कि बैंक जानबूझकर चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। बैंक द्वारा इसके लिए लंबा समय मांगने पर उसके अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ता आज रेलवे रोड पर स्थित एसबीआई बैंक के सामने इकट्ठा हुए। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड को सार्वजनिक न करने को लेकर बैंक के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस युवा नेता हिमांशु अरोड़ा ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को सार्वजनिक करने को कहा है तो एसबीआई उसमें देरी क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अगर चुनावी बॉन्ड सार्वजनिक हो जाए तो जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि एसबीआई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि एसबीआई की ओर से जानबूझकर चुनावी बॉन्ड को सार्वजनिक करने के लिए लंबा समय मांगा गया है। उसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं और प्रदर्शन करके विरोध जता रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के लिए एसबीआई बैंक को गाइडलाइन दी थी कि 5 मार्च तक चुनावी बॉन्ड किस पार्टी में कितना बॉन्ड आया है ये सार्वजनिक करने के लिए कहा था, बट इनकी बीजेपी और एसबीआई की मिली भगत से 5 मार्च तक एसबीआई बैंक ने 4 महीने का टाइम मांग लिया। 4 महीने तक चुनाव हो जाना है एमपी का। अगर ये सार्वजनिक होता तो सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि किसके खाते में कितना चुनावी बॉन्ड गया। इसलिए हम कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता एसबीआई बैंक के आगे आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी की जल्दी इलेक्शन से पहले चुनावी बॉन्ड का सामने आना चाहिए। क्या बताएंगे सैनी साहब, आप भी पहुंचे हैं यहाँ, आज प्रदर्शन चल रहा है देश भर में, तानाशाही का जो आलम चल रहा है वो सारे देश में सभी जनता के सामने है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने हस्तक्षेप करके इस तानाशाही सरकार के निर्णयों को पलटा और अब भी इसका ताज़ा उदाहरण जो चुनावी इलेक्ट्रोल बॉन्ड था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जो भी चुनावी बॉन्ड किस किस पार्टी को कितना मिला है वो एसबीआई उसको सार्वजनिक करे। सार्वजनिक करने के बाद ये पता लगाया कि बीजेपी पार्टी को फंड कितना गया, कांग्रेस पार्टी को कितना, अन्य दलों को कितना गया, तो इसमें तो मेरे हिसाब से तो कोई एसबीआई को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए था। जितना चुनावी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जिस पार्टी को मिला वो सार्वजनिक करना चाहिए था, परंतु अमित शाह और मोदी जो जिस प्रकार से दबाव बनाकर बैंकों पर दबाव बनाकर संस्थाओं पर दबाव बनाकर जिस प्रकार से तानाशाही राज कर रहे हैं उसके विरोध में आज समस्त कांग्रेस परिवार यहाँ पर एसबीआई के सामने धरना देने के लिए मजबूर हुए और हम मांग करते हैं आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि आप हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं और इस चुनावी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो है उसको सार्वजनिक करने का काम करें ताकि देश की जनता इस सच्चाई को समझ सके। जी क्या बताएंगे, आज यहां प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हैं। आज हम यहां हमारे नेता आदरणीय अशोक अरोड़ा जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एसबीआई के सामने जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि 5 तारीख तक ये जो चुनावी बॉन्ड इसकी जानकारी सार्वजनिक करे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए एसबीआई भी अपनी तानाशाही और मोदी और अमित शाह की मिलीभगत करके इस देश को बलगलाना चाहती है और इस देश को मांग क्या है आज कांग्रेस कार्यकर्ता धरना कर रहे हैं। तो हमारी मांग यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो द्वारा जो जानकारी मांगी है एसबीआई उसको सार्वजनिक करे। थैंक यू।